सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयपरद ने आजम खान और एसटी हसन पर लगाए गंभीर आरोप। जयपरद ने कहा कि एसटी हसन ने जो सपा सांसद है उन्होंने मेरे को कहा कि एक तवायफ और नाचने वाली है। रामपुर के लोगों ने 4.5 लाख वोट दिए जो कि एक अभद्र टिप्पणी है, जिसके खिलाफ मैं एसटी हसन और आजम खान के खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगी। वहीं जयपरद ने आजम खान को बताया शिक्षा माफिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले कर रहे हैं आजम खान। FIR करूंगी। बार बार आपके ऊपर टिप्पणी करी जा रही समाजवादी की तरह, उसके बावजूद आपके साथ बीजेपी की पार्टी आपके साथ नहीं दिख रही है, क्या वजह है? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए ये पार्टी का मामला तो है ही नहीं। आजम ये पर्सनल टिप्पणी करता है, बहुत नेक के साथ, बहुत ही मतलब टैक्टिस के साथ वो इस तरह का बयानबाजी करते हैं, नाम ना लेते हुए सब कुछ कहलाया जाता है। हम पागल नहीं है, वो सत्ता के पीछे पागल है और जनता को ये दिखाना चाहता है कि मुफ्त में पढ़ाई कर रहा है। कब्जा करके सारे जो जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन और सारे जो जितने किसानों के गरीब से गरीब किसानों के कब्जा करके वो एक सत्ता का मजा ले रहा है। क्योंकि रामपुर में आऊंगी तो इनके जो नाटक चल रहा है वो आगे नहीं चल सकता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं एक महिला के नाते जयप्रद ना सही, मतलब मैं मुंबई में, मैं ये कला के कला देवी हमारा वरदान है, उसको आप रंगी खाना कहते हो, उसको आपने मतलब तवायफ कहते हो, किसको कह रहे हो तवायफ? तुम्हारे घर में भी माँ बेटी बहन बहू सब कुछ है क्या? एसटी हसन साहब तुम एक पलट के आपके परिवार को देखो, किसको रंडी बोल रहे हो? मैं इन लोगों के ऊपर पूरा एक्शन लेने वाली हूं, मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं, चाहे मेरे जान जाए, मैं रामपुर की धरती छोड़कर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। सबसे पहले मैं सभी मीडिया पत्रकारों को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप बड़ी संख्या में आज हमारे बात रखने के लिए एक मौका आपने दिया है, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। ये दुर्भाग्य की बात है कि मैं हमेशा जब भी रामपुर आती हूँ तो कुछ न कुछ हमारे ऊपर हमला होता है या कुछ ऐसे अभद्र टिप्पणी होता है। इसी सिलसिले में आपको एक विषय पर मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि अभी अभी चुनाव खत्म हुआ और मैंने सोचा था कि रामपुर के इस सरजमीन को मैं सलाम करते हुए हम सब मिलकर रामपुर को आगे विकास के रूप में आगे बढ़ाने का पूरी प्रयास करने के लिए मैं कोशिश कर रही हूं। देखिए यही इसी धरती से मुझे दो बार मुझे सांसद बना के लोकतंत्र के मंदिर में पार्लियामेंट में मुझे भेजा गया। अब अभी 2019 में जो चुनाव हुआ है उसमें समीकरण के वजह से हो या कोई भी वजह हो, इस बार रामपुर की जनता ने आजम खान को सांसद बनाकर लोकतंत्र के मंदिर में पार्लियामेंट में उनको भेजा गया। अभी अभी मैं उनके जो भाषण भी सुन रही थी वो खुद वायरल किया कि वो शिक्षा के रूप में वो बहुत अनुदान कर रहे हैं, शिक्षा के रूप में बहुत कुछ इस रामपुर के लिए वो करने का उनका जो प्रणाली का बता रहे थे, यूनिवर्सिटी के बारे में जिक्र कर रहे थे,
बच्चों के पढ़ाई के लिए जिक्र कर रहे थे और बच्चों के स्कूल के बारे में भी उन्होंने ऐसे जिक्र करके झूठ बोला है कि प्रशासन छोटे छोटे बच्चों के कान पकड़कर उठा के उनको उठा के फेंक दिया बाहर, इस तरह का जो झूठे जो बयान दे रहे थे और उसको खुद वायरल कर रहा था कि ये भाषण जो है सारे जनता सुने और इस बात पर वो यकीन करे। आजम साहब, आप जो जो झूठ बोल रहे हैं इसमें आप ये बताइए कि बच्चों को आप मुफ्त में पढ़ाई करा रहे हैं, पैसा नहीं ले रहे बच्चों से? एक एक बच्चे से आप 800 रुपए ले रहे हो और आप कहते हो कि 20 रुपए में पढ़ाई करा रहे हो। आप ये भी बता रहे हो कि बच्चों को हम, जो बच्चा एक ही पेरेंट हो तो उनके लिए भी आप निशुल्क में पढ़ाई करा रहे हो 10 रुपए में। इतना झूठ, और वो भी पार्लियामेंट में। आप पार्लियामेंट में जाने से पहले आपने वोट लिया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे और जो भी हमारे सामने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी ऐसे गलत काम मेरे नजर में आता है तो उसको हम एंटरटेन नहीं करेंगे, हम उसको जवाब देंगे। लेकिन आज मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि आप तो चुनाव खत्म होने के बाद भी आप महिलाओं के बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हो। बात जयप्रदा की नहीं है, बात सारे देश की है, देश की महिलाओं की है। उनके उनके आस्था के ऊपर, उनके अस्मिता के ऊपर आप बार बार आप हमला कर रहे हो, यह सही बात नहीं है। आदरणीय मोदी जी ने जब भी वो भाषण देते हैं स्वस्थ भारत के बारे में बात करते हैं, लेकिन आजम जैसे बदजुबानी लोग इस तरह के जो टिप्पणी करते हैं और महिलाओं को, महिलाओं के बारे में अपमान और असम्मान के बातें करते हैं। आज मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूं कि मैं अकेली नहीं हूं, हमारे भारत जनता पार्टी हमारे साथ है। इस बार आप इस तरह का, अगर आप वापस महिलाओं के बारे में टिप्पणी करना आप शुरू करेंगे, हमारे आदरणीय मोदी जी चुप नहीं रहेंगे। हम इस बारे में शिकायत योगी जी को भी करेंगे। और मैं ये भी बताना चाहती हूं, जौहर यूनिवर्सिटी का आप चांसलर भी है और सांसद भी है, आप अभी अभी चुनी हुई नवी निर्वाचित सांसद बनकर आप पार्लियामेंट में गए हैं, लेकिन आप जो दिखते हैं वो नहीं है। आप दो हैं, दुबले रूप के हैं। एक आजम कहता है कि बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी बना दिया है, हम तो करबों से अरबों से हम इस यूनिवर्सिटी को बना दिया है। इतना पैसा आपके पास कहां से आ गया? आप बोलते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके दामन जो है साफ है, उस दामन में कोई दाग नहीं है, लेकिन आप सत्ता के पीछे पागल हैं। आप सत्ता चाहिए आपको, सत्ता के बगैर आप जी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके घर में आपकी पत्नी भी सांसद है, आपके बेटा विधायक है और खुद आप सांसद बनने के लिए आपने प्रयास किया है, और जनता पागल है। आप जनता को क्या बताना चाहते हो? इस रामपुर को आप क्या दिखाना चाहते हो दुनिया में? आप राज शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, बार बार कहते हो कि आपके राज शब्द से, हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम राज शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अंडरलाइन करके आप कह रहे हो। कोई हम नाच गाने के यहाँ पे स्कूल नहीं कर रहे, हम यहाँ पे राग खाना ये नहीं बना रहे हैं। क्या रामपुर में ऐसा धंधा चलता है? क्या रामपुर के इस तहजीब को आप खराब करोगे? क्या रामपुर में इस तरह का धंधा चलेगा क्या? तुम क्या कहना चाहते हो यहां के महिलाओं के बारे में? क्या दिखाना चाहते हो? तुमको भाई बोलना हमारे लिए ये गुनाह हो गया? तुम और तुम्हारे एसपी हसन क्या बोल रहे हैं? आज डॉक्टर है, पढ़े लिखा है,
जनता ने उनको सांसद बनाया। एसटी हसन साहब, शर्म आना चाहिए तुमको। एसटी हसन ये बोल रहा है, मुझे अफसोस है कि नाच गाने वाले तवायफों को 4 लाख वोट से उनको जनता ने वोट दिया। इस बात पे तुमको दुख है? 4 लाख वोट जयप्रदा को दिया, तवायफ को नहीं दिया। जबान संभाल के रखो। क्या समझते हैं तुम लोग राज शब्द किस लिए इस्तेमाल कर रहे हो? एक बात सुन लो, सारे जनता चुप नहीं रहेगी। हमारे पार्टी वाले चुप रह सकते हैं, लेकिन आम जनता, आम महिला चुप नहीं रहेगी। इसका जवाब मिलेगा। और यह भी बता दूं, एसटी हसन साहब, आप डॉक्टर होते हुए यू आर अनफिट फॉर योर प्रोफेशन। तुम डॉक्टर बनने का लायक नहीं है। यही एसटी हसन, एक जमाने में पिछले बार आपको टिकट नहीं मिला तो आपने क्या दिया, आपने क्या बयान दिया, आपने कि हम क्या गलती कर दिया? इस आजम खान ने मेरे को टिकट नहीं दिलाने दिया। आज आजम के पीछे चमचा बन के आप घूम रहे हो। ये मेरे लिए नहीं। आजम साहब, आप शिक्षा के नाम से आपने कितना, कितने लोगों के पैसा आपने उस यूनिवर्सिटी में लगा दिया, मुझे पता है। आप माफिया है, माफिया शिक्षा के रूप में माफिया है आप। आपको मैं ये बताना चाहती हूं, कितने गरीब किसानों के जमीन को कब्जा करके यूनिवर्सिटी में रखा है। आप प्रोफेसर, आप चांसलर के रूप में, सांसद के रूप में बड़े बड़े बातें कर रहे हो। क्या रामपुर के इसको रंडी खाना बनाने के लिए ठेका लिया क्या? एक औरत होके ये बात नहीं कहना चाहती थी, लेकिन मुझे मजबूर होके कहना पड़ रहा है। मैं अपील करती हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, मैं अपील करती हूं इस देश के प्रधानमंत्री योगी मोदी जी को, इस बात पर वो गौर करें। अगर ये संसद पे इस तरह के आदमी लोगों को रहना है या नहीं रहना है, अगर रहना है तो इन लोगों को सिखाना पड़ेगा किस तरह एक महिला के संस्कार को, एक महिला को सम्मान देना। एक कानून लाना चाहिए और ये कानून लाकर इन लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहती हूं, मैं आज चुप रहने वाली जयप्रदा नहीं हूं। आपके हमले से, आपके गाली से मैं रामपुर छोड़ दूंगी। यही तुम और एसटी हसन और आपके दूसरे जितने जो समाजवादी पार्टी है उनके नेता लोग चुप रहेंगे तो हम डर जाएंगे क्या? उन सबके ऊपर मैं एक्शन लेना चाहती हूं और मैं शिकायत करूंगी, चाहे कुछ भी हो, मैं इनके, आपके ऊपर और एसटी हसन के ऊपर शिकायत करूंगी और न्याय मांगने के लिए गुहार लगाऊंगी।